आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स के नए कप्तान के नाम का हुआ ऐलान। विराट कोहली की जगह दक्षिण अफ्रीका के फॉफ डु प्लेसिस को मिली कमान। एक दशक बाद आरसीबी को मिला नया कप्तान। 27 मार्च को नए कप्तान के साथ पंजाब से खेलेगी बेंगलोर टीम। आरसीबी की कप्तानी मिलने के बाद फॉफ डु प्लेसिस ने दिया विराट कोहली पर बड़ा बयान। प्लेसिस ने विराट कोहली की जमकर की तारीफ। प्लेसिस ने बताया कि विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। उनके अंदर रन बनाने के साथ साथ टीम को जीत दिलाने की भूख। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल की नई जर्सी लॉन्च। फ्रेंचाइजी ने अपनी ऑफिशियल नई जर्सी को किया लॉन्च। दिल्ली कैपिटल्स के इंटरिम सीईओ विनोद बिस्ट ने लॉन्च के मौके पर कहा, आईपीएल का ये नया सीजन है और हम अपने खिलाड़ियों को इस नई जर्सी में देखने को बेताब हैं। दिल्ली कैपिटल्स 27 मार्च को अपने अभियान की शुरुआत करेगी। दिल्ली के अलावा मुंबई, पंजाब और बेंगलोर ने भी अपनी नई जर्सी को किया लॉन्च। सरफराज खान ने कहा है कि वो दिल्ली की तरफ से खेलने के लिए काफी खुश हैं। सरफराज ने दिल्ली कैपिटल्स के ट्रेनिंग कैंप भी ज्वाइन कर लिया। सरफराज खान इससे पहले आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं। आईपीएल के नए प्रोमो में दिखाई दिए गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। आईपीएल में इस बार 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और ये प्रोमो भी इसी पर आधारित है। हार्दिक इसमें बता रहे हैं कि नया कटेगा तो 100% फटेगा। आईपीएल का आगाज 26 मार्च से हो रहा है। आईपीएल से बीसीसीआई होगा मालामाल। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप और बाकी सौदों से 800 करोड़ रुपए का मिलेगा राजस्व। टाटा ग्रुप आईपीएल को टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए हर साल 335 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। ये 2008 के बाद से आईपीएल के इतिहास में अभी तक की सबसे अधिक आय होगी। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ।